हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेज गियर्स। स्टेज गियर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे पायलट 2000 को कैसे ऑपरेट किया जाता है और एक एलईडी पार्क को भी मैं आज इसके साथ प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाऊंगा। सो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आज हम लोग के पास है स्टैंड का पायलट 2000। सो सबसे पहले इस बोर्ड के सारे फेडर्स और स्विचेस के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये इसका पावर बटन जिससे कीबोर्ड ऑन होता है। उसके बाद आ जाता है ग्रैंड मास्टर, जो इस बोर्ड से जो जो एलईडी पार्ट और शार्ट पे चलेगा उस सब का ग्रैंड मास्टर होगा। उसके बाद ये है सेटअप बटन। इसी बटन से कोई भी फिक्सर को पैच या लोडिंग इस बोर्ड में किया जाएगा। उसके बाद ये है कॉपी बटन। कोई भी प्रोग्रामिंग को अगर कॉपी करना है तो ये बटन से ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंटर बटन, प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद उसको स्टोर करने के लिए यही बटन से होता है। ये है रिकॉर्ड बटन, एंटर बटन, लैंप और ये रीसेट। ये रीसेट बटन से ये पूरा बोर्ड को जब रीसेट करना पड़ता है तो यही बटन से होता है। नेक्स्ट ये है पेज बटन, जो अभी डिफ़ॉल्ट मोड में पेज वन में 1 to 20 में सेट है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए ये 21 to 40, मतलब ये जो बटन से ये अभी 21 to 40 के अंदर काम करेगा। मतलब यहाँ पर 20 जो बटन आपको दिख रहा है ये पहले 1 to 20 है। अगर इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये 21 to 40, ऐसे ये सेट होता है। उसके बाद आ जाता है स्टोर बटन, उसके बाद एडिट, डिमर और मोड। सो ये नेक्स्ट पार्ट इस पायलट का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अभी देखिए ये है रिकॉर्ड बटन। इस रिकॉर्ड बटन में ही हम लोग जो जो इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे और पैचिंग भी करेंगे वो मेमोराइज होता है। और एक चीज़, यही बटन सिलेक्ट करता है कि ये सारे बटन किसके अंडर में काम करेगा। अभी रिकॉर्ड सिलेक्टेड है तो ये सारे जो 20 बटन्स है और पेज टू करने पर 21 to 40 बटन से ये रिकॉर्ड के अंदर में काम करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोग्रामिंग बटन। अभी ये प्रोग्रामिंग सिलेक्टेड है तो ये प्रोग्रामिंग के अंडर में ही ये सारे बटन्स काम करेंगे। और ये प्रोग्रामिंग में ही शार्पीस या कोई भी मूवेबल फिक्सर सेट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेज बटन में। ये बटन है मैक्सिमम एलईडी पार या डीमर कंट्रोल बेस जो जो हम लोग का इफेक्ट्स रहेगा वो सेट होगा और उसी के अंदर में इसी ये सब बटन में उस सब प्रोग्रामिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एम चेज, जो चेजी का और एक पार्ट है, और प्रीसेट वो भी चेजी का और एक पार्ट आप बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं फिक्सर बटन में। अभी देखिए फिक्सर बटन में ये जो जो बटन्स है ये हर एक बटन में जो जो हम लोग पैच करके रखे इस बोर्ड में वो पैचिंग वाइज वो फिक्सर सिलेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट ये है सीम बटन। नेक्स्ट आ जाते इस वाले पार्ट में। यहाँ पर आपको 6 डीमर फेडर देखने को मिलेंगे जो कि ये डिस्प्ले वाइज काम करता है। देखिए अभी मैं इसको अप डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है डीमर वो अप। फीडर्स के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अभी इस वाले एलईडी पार को जो कि बिग डी पर का LP001 है, इसको हम इस बोर्ड के साथ प्रोग्रामिंग करेंगे। सो चलिए सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। नेक्स्ट ये ग्रैंड मास्टर का फुल कर दीजिए। देखिए अभी दिखा रहा है सिलेक्ट रिकॉर्ड, मतलब ये पूछ रहा है कि आपको कौन सा रिकॉर्ड बटन में ये प्रोग्रामिंग सेट करना है। सो कोई भी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कोई भी एक रिकॉर्ड बटन सिलेक्ट करना पड़ता है, तो मैं अभी रिकॉर्ड 1 सिलेक्ट करता हूँ।
नेक्स्ट हम लोग चले जाते चेस बटन में। अभी ये चेस बटन का अंडर में ही हम लोग ये प्रोग्रामिंग इसको करेंगे। सो मैं अभी प्रोग्रामिंग वन अगर करना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट एडिट। अभी देखिए चेस वन सिलेक्टेड, लेंथ दिखा रहा है 0, मतलब यहाँ पर अभी कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग इसको ओके करेंगे। ओके करने पर आपको दिख रहा है एडिट मेनू, वहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएगा, एक एडिट स्किन, नेक्स्ट स्किन टाइम। सो अभी हम लोग जाएंगे एडिट स्किन पर। एडिट स्किन में आपको जाके करना है ओके। नेक्स्ट देखिए ये आ गया चैनल 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा आ गया। अभी अगर आप इसको ओके करेंगे तो आपको 7 to 12 भी आ जाएगा। ऐसे करके आपको टोटल 48 चैनल्स आपको मिल जाएंगे। अभी ये एस डीएमएक्स जैसा काम किया था वैसा ही काम करेगा। सो इस वाले एलईडी बार के लिए ये फर्स्ट चैनल है मेन डीमर, सो मैंने इसको 255 पर सेट किया। नेक्स्ट 5 नंबर फेडर में मेरा रेड है, देखिए ये रेड आ गया। नेक्स्ट वाले फेडर्स में मेरा ग्रीन है, देखिए ग्रीन आ गया। अभी 7 नंबर के लिए हमको जाना पड़ेगा ओके। देखिए चैनल 7, इसको मैंने ओके किया तो ये आ गया आपका ब्लू। नेक्स्ट 8 नंबर फेडर में इसका पर्सनल वाइट है, सो ये भी आ गया। अभी इसको सेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा स्टोर 1 एडिट एंटर। देखिए ये वाले बटन में ये प्रोग्रामिंग सेट हो गया है। सो गाइस चलिए और 2-3 प्रोग्रामिंग आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि चेस वन में हम लोग सेट किए हैं वाइट, नेक्स्ट चेस टू में हम लोग सेट करते हैं रेड। सो चेस टू सिलेक्टेड एडिट, देखिए चेस टू सिलेक्टेड, लेंथ 0 मतलब कुछ नहीं है। नेक्स्ट ओके एडिट स्किन, ओके चैनल 1 रेड क्योंकि चैनल 5 में है। अभी स्टोर प्रेस करके 1 एडिट स्पेस करके एंटर, देखिए 2 नंबर में रेड सेट हो गया। अभी चलिए 3 नंबर में मैं ग्रीन सेट करता हूँ। नंबर 3 सिलेक्टेड एडिट चेस 3 0 ओके एडिट स्किन ओके फर्स्ट डीमर ऑन देन ग्रीन देन स्टोर 1 एडिट एंटर। नेक्स्ट हम लोग सेट करते हैं स्टोप। स्टोप सेट करने के लिए हम लोग 4 नंबर चेस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्टेड पहले दोनों को उतार लेता हूँ। एडिट देखिए चेस 4 ओके ओके एडिट स्किन मास्टर ऑन रेड ग्रीन ब्लू वाइट देन बैक और ये 2 नंबर फेडर में मेरा स्टोव है। तो देखिए स्टोव स्टार्टेड। अब इस कंडीशन में स्टोर 1 एडिट एंटर, देखिए स्टोव स्टार्ट हुई। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मल्टी कलर चेस प्रोग्रामिंग और कोई प्रोग्रामिंग को डिलीट कैसे करते हैं, बोर्ड को रीसेट कैसे करते हैं, उसके साथ ही स्टोव में जो डिले स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस बारे में सीखेंगे। सो थैंक यू। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।